दोस्तों क्या हालचाल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेन ए बराबर वन एंड टेन बी बराबर रूट थ्री, तो कह रहा है हमें कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। देखिए टेन ए आपको दे रखा है, टेन ए आपको बराबर वन दे रखा है। अच्छा याद करो वन टेन में किसका मान होता है, तो अगर हम टेबल की बात करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ए, और ये टेन 45 का मान होता है यहाँ पर, तो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखो टेन से टेन हो जाएगा एलिमिनेट, कटेगा नहीं एलिमिनेट होगा, वो आपको फर्स्ट ईयर में बताएंगे ऐसे होता है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक सिमिलरली क्या जाएगा अगर हम बात करते हैं टेन बी की बात करते हैं, ठीक है टेन बी हमको दे रखा है अंडर रूट ये 3 दे रखा है। ठीक है अब देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो अगर इसकी टेबल की बात करते हैं तो टेन में रूट थ्री किसका मान होता है, देखो तो ये किसका मान होता है टेन 60 का मान होता है। ठीक है अब टेन टेन हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है तो हमको ए और बी की वैल्यू मतलब हमको फाइंड हो गई। हमको निकालना क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का हमें फाइंड करना है साइन ए इंटू साइन बी फाइंड करना है। तो कॉस ए देखो ए इक्वल हम रखेंगे कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे ए इक्वल, और बी इक्वल रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस 45 डिग्री आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा ये कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये आपका माइनस आ जाएगा साइन 45 डिग्री आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा ये साइन बी कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ओके ठीक है देखो अगर टेबल आपको पता है तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, वरना बुक में देखोगे सोल्यूशन थोड़ा मतलब इसको थोड़ा लॉन्ग किया गया है। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा मतलब पहले कॉन्सेप्ट इसका सीख करके तब ये क्वेश्चन लगाना है इसके। ठीक तो क्या हो जाएगा कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है अब देखो कॉस 60 वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही अभी कॉस 60 वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 1/√2 आ जाएगा। ठीक है देखो साइन 45 कितनी हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 आ जाएगी। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो साइन 60 वैल्यू होती है 3/√2 आ जाएगा। अब देखो इनका जब इंटू करो कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे माइनस आपका आ जाएगा, तो आपका माइनस आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2√2 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करेंगे पूरा डिनोमिनेटर हम लोग एक मान लेते हैं, ऊपर कितना जाएगा 1 - √3 आ जाएगा, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है सिंपली क्वेश्चन ये आपका हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद और ऐसे ही बने रहें साथ में हम लोग के।